लोकसभा चुनाव के पहले चरण में 20 राज्यों की 91 लोकसभा सीट पर मतदान जारी है। इस बीच आंध्र प्रदेश की जनसेना पार्टी के विधानसभा उम्मीदवार मधुसूदन गुप्ता ने अनंतपुर जिले के गुटी में एक मतदान केंद्र पर इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन यानी ईवीएम को तोड़ दिया। हालांकि जनसेना विधायक उम्मीदवार मधुसूदन गुप्ता को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। वीडियो डेस्क अमर उजाला.com